चीनी सैनिकों से झड़प के बीच भारतीय वायुसेना आज एलएसी के पास ईस्टर्न सेक्टर में युद्ध अभ्यास करेगी। चीन सीमा के पास दो दिवसीय ये युद्ध अभ्यास होगा। वायुसेना के सभी फ्रंटलाइन फाइटर जेट भी इस अभ्यास में शामिल होंगे। सुखोई लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे चिनूक आसमान में अपना दमखम दिखाते नजर आएंगे। हालांकि अभ्यास की योजना भारत और चीनी सेनाओं के आमने सामने आने से बहुत पहले बना ली गई थी, इसीलिए इस युद्ध अभ्यास का हालिया झड़प से कोई संबंध नहीं है। यह अभ्यास असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के स्पेस में किया जाएगा। तो आज युद्ध अभ्यास होने जा रहा है, दो दिवसीय ये युद्ध अभ्यास होगा। जितने भी एयरस्पेस के उत्तर पूर्व के हैं वहां पर सभी जगह ये युद्ध अभ्यास किया जाएगा। आपको ये बता दें कि तनाव के बीच युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले ही अभ्यास तय कर दिया गया था। हमारे साथ हमारी सहयोगी मोनिका लाइव जुड़ रही है ग्राउंड जीरो से, उनका रुख कर लेते हैं। मोनिका, क्या कोई जानकारी मिल पाई है कितने बजे से ये युद्ध अभ्यास शुरू होगा और कहां कहां? बिल्कुल, देखिए सपना, क्योंकि ये एक रूटीन युद्ध अभ्यास है और दो दिवस से ये युद्ध अभ्यास है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं तवांग में हूँ और तवांग मॉनेस्ट्री में फिलहाल मैं मौजूद हूँ। थोड़ी सी तस्वीरें मैं आपको पहले मॉनेस्ट्री की दिखा देती हूँ। देखिए, 3 मंजिला ये पूरी मॉनेस्ट्री है। आसपास आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए, 25 मीटर बुद्ध की यहाँ पर मूर्ति है, सबसे आकर्षक मूर्ति है। और इसके अलावा लाइब्रेरी भी यहाँ पर आसपास में है। लेकिन आप देखिए इस मठ पर किस तरीके से चीन लगातार दावा करता है और इसी मॉनेस्ट्री को लेकर लगातार जो है सिचुएशन चीन खराब करता रहता है। लेकिन मेरे साथ कुछ लोकलाइट्स हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहीं पर रहते हैं और जिस तरीके से 9 दिसंबर को जो भी घटनाक्रम यहां पर हुआ है उसके बाद से क्या कुछ सिचुएशन बदली है, कोई तनाव वो महसूस कर रहे हैं? सर, ये जो 9 दिसंबर को यहाँ पर हुआ और चीन ऐसे लगातार बार बार हरकतें करता रहता है, कुछ तनाव महसूस हो रहा है यहाँ पर आपको? यहाँ किसी भी तरह का कोई भी तनाव हम लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं और हमें अपने देश पर और अपने नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि यहाँ पे चीन चाह के भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। आर्म फोर्सेस पर पूरा भरोसा है आपको? पूरी भरोसा है, चारों तरफ आर्मी नजर आ रही है, कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, चीन बार बार दावा करता है कि तवांग मेरा है और क्लेम करता रहता है और इस तरीके की सिचुएशन बार बार एलएसी के आसपास होती है। अगर थोड़ी बहुत सिचुएशन इधर उधर हो जाती है, आप लोग तैयार हैं? पूरा भरोसा है आपको आर्म फोर्सेस पर? हम लोग को पूरा भरोसा आर्म फोर्सेस पर और मोदी जी पर है, क्योंकि हम लोग ने एक मजबूत नेतृत्व पाया है। इसलिए उनका नेतृत्व को पूरी दुनिया मानती है, तो हम लोग भी मानते हैं और हम लोग को पूरा भरोसा है। बिल्कुल, क्या 9 दिसंबर से पहले भी इस तरीके की कोई सिचुएशन यहाँ पर हुई है? क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा कि किस तरीके से चीन ने इस तरीके की हरकतें की हैं, हालांकि गलवान घाटी में। बिल्कुल, और भारतीय सेना ने हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया। गलवान घाटी में जो घटना हुई थी, चीन ने सोचा ही नहीं था, और विद इन वीक्स वहाँ पे मोर देन 60-70,000 ट्रूप्स को इंडियन आर्मी ने डिप्लॉय किया था और उसको करारा जवाब दिया था। इवन जो हमने स्ट्रेटेजिक पोजिशन पर भी कब्जा किया था, तो चीन को पीछे हटना पड़ा था। तो किसी भी तरह की चिंता की कोई बात है ही नहीं। बिल्कुल, चिंता की कोई बात नहीं, आर्म फोर्सेस पर पूरा भरोसा है। बिल्कुल बिल्कुल, चीन के रुख को लेकर आप क्या कहेंगे, भरोसा किया जा सकता है? चीन जो ऐसा देश है जिसने तिब्बत पर जबरदस्ती कब्जा किया है और जो कब्जे वाले देश है उसके आधार पर वो दावा कर रहा है तवांग पे, जो कि उसका दावा बनता ही नहीं है और कोई भी तिब्बती उसकी कब्जा को मानता नहीं है और उस कब्जे की वैधता बिल्कुल है ही नहीं। सो इस दावा की कोई वैधता बनती नहीं। आप कुछ कहेंगे चीन को लेकर, जो हरकतें चीन बार बार करता है? चीन का रुख सदा से विस्तारात्मक रहा है, इसलिए वो इस तरह का घटना करते रहता है। लेकिन अपनी आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है और यहाँ लोकल में किसी तरह का डर भय का कोई वातावरण नहीं। बिल्कुल, देखिए सपना, जिस तरीके से हम सुबह भी कह रहे थे, हमने तमाम लोकलाइज से बातचीत की। अब देखिए, भले ही टेंस सिचुएशन है लेकिन तनाव की स्थिति फिलहाल जो है तवांग में नज़र नहीं आ रही है। इकलामा है जो यही मॉनेस्ट्री में रहते हैं, काम करते हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप इस मॉनेस्ट्री के बारे में बताइए और कितनी साल ये पुरानी मॉनेस्ट्री है, क्योंकि देखिए भारत की सबसे बड़ी और एशिया की दूसरे नंबर पर ये मॉनेस्ट्री, खासियत क्या है और बार बार इस तरीके की दावा जो है वो क्यों करता है और इस मठ पर दावा करने की बात क्यों कहता है? जी, सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से जो सभी इस चैनल को देखने वालों को नमस्कार कहना चाहूँगा। इस मॉनेस्ट्री का अभी इतिहास के बारे में बताया जाए तो ये मॉनेस्ट्री जो 1681 में बनाया गया है, जो 5वीं दलाई लामा के समय में, और इस मठ में फिलहाल हम लोग का 500 इतना लामास इसमें पढ़ाई करते हैं और इसमें
ये जो मॉनेस्ट्री जो एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट के माना जाता है जी। वैसे देखने से तो एरिया इतना भरा तो नहीं है जी। फिर भी ये तवंग के अंदर और जो वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जितना भी छोटे छोटे मॉनेस्ट्री है ज़्यादातर इसके अंदर में आता था। लेकिन जो 1962 के बाद जो इंडो सेना वार हुआ था उसके बाद यहाँ में थोड़ा लामा कम हो गया था। उसके बाद ऐसा कोई खास वजह तो पता नहीं, लेकिन थोड़ा लामा जो लोगों से कम आया था, कम आता था। इसके बाद या जो जितना भी वेस्ट के भी डिस्ट्रिक्ट में छोटा जो मॉनेस्ट्रीज था पूरा उन लोगों को दे दिया। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच की, वो विस्तारवादी नीति के तहत प्रेशर के तहत लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, लेकिन भारतीय सेना विश्वास पैदा करने की कोशिश करती है। जो इन लोकलाइज में आप जब बातें कर रहे हैं तो उनकी बातों में सुनाई और दिखाई भी दे रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास में, क्योंकि आज युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, आज से युद्ध अभ्यास शुरू किया जाएगा। 2 दिवसीय युद्ध अभ्यास जिसमें कि ये पहले से प्लान था, लेकिन ये जितने भी एयर स्ट्रिप्स हैं पास के उत्तर पूर्व के, वहां पर ये युद्ध अभ्यास किया जाएगा। एक बार फिर से मैं मोनिका का रुख करूंगी। मोनिका, मेरा फिर से वही सवाल, अगर आपको कोई जानकारी मिल पाई हो कि ये युद्ध अभ्यास कब से शुरू किया जाएगा, प्लान पहले से जरूर था लेकिन फिलहाल की स्थिति में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क को संदेश देना है कि आपसे कहीं भी कम नहीं। बिल्कुल, देखिए सपना, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पा रही, क्योंकि देखिए 9 दिसंबर की जो घटना है उसके बाद से 10 या 50 मीटर के दायरे में इस तरीके की हलचल फिलहाल आसमान में दिखे ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। और जिस तरीके से मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि जो सिचुएशन फिलहाल यहाँ पर है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमको भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसी हलचल हमें दिखती है तो वो तस्वीरें हम ज़रूर साझा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो तस्वीर आप अभी फ़िलहाल हमसे कह रही हैं कि हम वो तस्वीर आपको दिखाएं, हम थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड एरिया में फ़िलहाल हैं और वो तस्वीर शायद हम आपको नहीं दिखा पाएंगे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और हम नहीं चाहते हैं कि, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल जो है देखिए 50,000 डिप्लॉयमेंट यहाँ पर ऑलरेडी आर्म फोर्सेस का है, और जिस तरीके से तनाव बढ़ा है उसके बाद से भी थोड़ी सी मूवमेंट हमें ज़रूर दिखी है। और काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जिन्हें ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर लिया गया है, सतर्क ज़्यादा हो गए हैं, अलर्टनेस ज़्यादा हो गई है। इसीलिए फ़िलहाल मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो तस्वीर तो शायद इस रेडियस में ना दिखें। ठीक बात है, और जरूरी है कि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम उन तमाम मानकों को फॉलो करें, और बात जब देश की सुरक्षा की है तो जरूरी हो जाता है। बहरहाल, तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के बाद भारतीय वायुसेना भी पूरी तरह से चौकस नजर आ रही है। भारतीय वायुसेना की ईस्टर्न कमान आज से 2 दिवसीय युद्धाभ्यास शुरू करने जा रही है, जिसमें फाइटर जेट, रफाल, सुखोई, लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे और चिनूक अपना दमखम दिखाएंगे। युद्ध अभ्यास में खास तौर से अरुणाचल प्रदेश की एडवांस लैंडिंग स्ट्रिप, पश्चिम बंगाल के हासीमारा और कलाईकुंडा, असम के तेजपुर और चबुआ की लैंडिंग स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाएगा। ये युद्ध अभ्यास असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के स्पेस में किया जाएगा। इस युद्ध अभ्यास का मकसद सर्दियों में आपसी तालमेल के साथ दुश्मन पर हमला करने की क्षमता को परखना है। पूर्वोत्तर से सटे चीन, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं की निगरानी वायुसेना की पूर्वी कमांड ही करती है।